सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज हमारे पास रॉयल एनफील्ड की लेजेंडरी मोटरसाइकिल द बुलेट 350, लेजेंडरी सिंस 1932, नाइन डिकेट्स ऑफ अनब्रोकन ट्रेडिशन। नाउ बुलेट 350 गॉट ए न्यू हार्ट बट स्टिल द सेम बीट। तो आज हम इसके सभी लेटेस्ट फीचर्स के बारे में बात करेंगे, क्या कुछ अपडेट आई हैं उनके बारे में बात करेंगे, न्यू प्राइजेस के बारे में बात करेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखें। एंड बिफोर स्टार्टिंग, एज यूजुअल स्पेशल थैंक्स टू मंगलम मोटोकॉर्प चित्तौड़गढ़, द रॉयल एनफील्ड डीलरशिप टू हेल्प अस आउट इन दिस वीडियो। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो दिस इज़ द रॉयल एनफील्ड बुलेट मेरी जान। स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को एंड स्ट्रेट अवे हम बात करते हैं इसकी अपीयरेंस के बारे में। सो दिस इज़ द न्यू बुलेट 350, बट द वाइब स्टिल रिमेन्स द सेम। काफ़ी कुछ चीज़ें चेंज हो चुकी हैं अपीयरेंस में, लुक्स में, बट द ब्यूटी स्टिल रिमेन्स द सेम। एंड जो जो चीज़ें चेंज की हैं कंपनी ने, उनकी रिक्वायरमेंट थी, वक्त के हिसाब से उनको चेंज करना ज़रूरी था, इसलिए उनको चेंज किया है, बट द स्वैग स्टिल रिमेन्स द सेम। तो ये थी बात इसकी अपीयरेंस के बारे में। अब हम बात करते हैं इसकी प्राइजिंग के बारे में। सो प्राइजेस, न्यू प्राइस आ चुकी है बुलेट 350 की। प्राइस स्टार्ट होती है अब ₹1.74 लाख एक्स शोरूम फॉर द बेस वेरिएंट एंड गोज अप टू ₹2,15,000 एक्स शोरूम फॉर द टॉप वेरिएंट। बेस वेरिएंट इसमें आपको मिलता है मिलिट्री, जिसमें आपको दो कलर्स मिलते हैं। दिस इज़ द मिड वेरिएंट, द स्टैंडर्ड वेरिएंट, इसमें भी आपको दो कलर ऑप्शंस मिलते हैं एंड इसकी प्राइस है अप्रॉक्स 1,97,000 एक्स शोरूम। एंड जो टॉप वेरिएंट आता है वो है ब्लैक गोल्ड, उसकी प्राइस है 2,15,000 एक्स शोरूम। तो प्राइजेस काफ़ी कुछ चेंज हो चुकी हैं। एंड ये थी बात प्राइस एंड वेरिएंट्स की। अब हम बात करते हैं चेंजेस की। सो स्टार्ट करते हैं वॉक अराउंड को, स्टार्ट करते हैं फ्रंट से। सो काफ़ी कुछ चीज़ें इसमें आपको रिजेंबल करती हुई मिलेंगी क्लासिक 350 रीबॉर्न से। जो क्लासिक 350 में चेंजेस आए थे वही सब ज़्यादातर चेंजेस आपको मिलेंगे बुलेट 350 में भी। सो स्टार्ट करते हैं फ्रंट से। सो यहाँ पे आपको मल्टी रिफ्लेक्टर क्लियर लेंस टाइप हेडलैम्प मिलने वाली है, जो कि पहले आपको ट्रेडिशनल हेडलैम्प मिला करती थी। आरी का लोगो है यहाँ पे, बट ये है हेलोजन लाइट। एलईडी होती तो थोड़ा डिफरेंट हो जाता, बट दिस इज़ द न्यू लाइट। यहाँ पे आपको क्रोम फिनिश मिलती है बट नो सल्यूट, सल्यूट का कोई ऑप्शन नहीं है और एसेसरी में भी कोई ऑप्शन नहीं है कि आप सल्यूट लगवा पाएँ। एंड यहाँ पे आपको ये पायलट लैम्प मिल जाते हैं और यू कैन से द टाइगर लैम्प। इंडिया में कई जगह पे इनको टाइगर लैम्प भी कहा जाता है। सो ये आपको मिलता है, मैं आपको इनको जला के दिखा देता हूँ। सो कुछ इस तरह के दिखते हैं, दिस इज़ द हेड लैम्प। एंड टर्न इंडिकेटर्स भी आपको बहुत हद तक क्लासिक के जैसे मिलते हैं, हेलोजन टर्न इंडिकेटर्स हैं विथ क्रोम फिनिश। कमिंग टू द फ्रंट सस्पेंशन, तो 41mm के ये फ्रंट फॉक्स आ चुके हैं। इनका डाया चेंज हो चुका है, थोड़े थिक हो चुके हैं ये, सो उसकी वजह से मुझे लगता है और ज़्यादा कम्फर्ट राइड मिलने वाली है। सो ये थी बात। मड गार्ड यहाँ पे आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में मिलता है एंड ये भी मुझे काफ़ी हद तक क्लासिक 350 के जैसा ही लग रहा है। सो ये थी बात। नाउ कमिंग टू द फ्रंट व्हील, व्हील की बात करें तो स्पोक व्हील मिलते हैं सभी वेरिएंट में, किसी में भी आपको एलॉय का कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। एंड डिस्क उधर से अब इधर आ चुकी है एंड यहाँ पे अब आपको 300mm की डिस्क मिलती है फ्रंट में। पीछे भी आपको डिस्क मिलती है 270mm की विथ डुअल चैनल ABS। स्टैंडर्ड वेरिएंट में डुअल चैनल ABS मिलेगा आपको एंड टॉप वेरिएंट में भी डुअल चैनल ABS मिलेगा विथ डिस्क इन फ्रंट एंड रियर एज वेल। बाइबर के कैलिपर्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। टॉकिंग अबाउट द व्हील, सो यहाँ पे स्पोक व्हील मिल रहा है क्रोम फिनिश में। टायर्स चेंज हो चुके हैं, टायर साइज़ मिलता है 100x19। सो यहाँ पे 19 इंच के स्पोक व्हील मिल रहे हैं एंड इनका जो अपीयरेंस है वो काफ़ी अच्छा है। पुरानी वाइब जो मिलती थी, वही मैं बोल रहा हूँ ना, जो पुराना स्वैग है, पुरानी वाइब्स हैं, वो अभी भी यहाँ पे बरकरार हैं, कायम हैं। सो ये थी बात इसकी। डायमेंशंस अभी हमारे पास इसके ऑफिशियल फिगर्स आए नहीं हैं, तो कमिंग वीडियोस में मैं बताऊंगा आपको, बट इसका व्हील बेस बढ़ चुका है एंड ग्राउंड क्लियरेंस भी बढ़ चुका है। पहले इसमें काफ़ी कम ग्राउंड क्लियरेंस आया करता था, अब ग्राउंड क्लियरेंस भी बढ़ गया है। नाउ कमिंग टू द मेजर अपडेट, जो सबसे बड़ी अपडेट है वो है चेसी। तो यहाँ पे आपको ट्विन डाउन ट्यूब क्रेडल फ्रेम मिलने वाली है, जो कि आपको मीटियोर 350 में मिलता है, जो कि आपको क्लासिक 350 में मिलता है एंड अब यहाँ पे बुलेट 350 में भी आपको यही ट्विन डाउन ट्यूब क्रेडल फ्रेम मिलने वाला है। सो इसकी वजह से मुझे लगता है अब और ज़्यादा रिफाइनमेंट मिलेगा, वाइब्रेशंस कम होंगे एंड बेहतर राइड मिलेगी आपको।
सो ये थी बात। उसके अलावा इसमें काफ़ी कुछ एसेसरीज़ भी लगी हुई हैं, सो एसेसरीज़ की वीडियो हम सेपरेट बनाएंगे, तब उनकी बात करेंगे। जैसे कि ये लेग गार्ड लगा हुआ है, सम गार्ड लगा हुआ है, एंड यहाँ पे ये फुट पैग्स भी चेंज हुए हैं, तो इनकी बात हम एक सेपरेट वीडियो में करेंगे जब हम न्यू बुलेट 350 की एसेसरीज़ के बारे में बात करेंगे। बट अभी आ जाते हैं द न्यू हार्ट। सो बुलेट 350 गॉट ए न्यू हार्ट बट स्टिल द सेम बीट, सो बीट सेम है न्यू हार्ट। सो यहाँ पे भी अब आपको जे सीरीज़ इंजन मिलने वाला है, 350 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर एंड ऑयल कूल्ड BS6 फेस टू कंप्लाइंट ये इंजन है। पावर जनरेट करता है 20 BHP एंड टॉर्क मिलता है 27 Nm। तो ये भी बिल्कुल सेम है, बट मुझे लगता है कि बीट्स इसमें आपको वही पुरानी मिल रही हैं, तो थोड़ी बहुत ट्यूनिंग में डिफरेंस किया होगा। क्लासिक 350 वाली ट्यूनिंग होगी तो वही साउंड मिलेगा, बट इसमें अब आपको बीट डिफरेंट मिल रही है, तो मुझे लगता है ट्यूनिंग भी थोड़ी डिफरेंट की होगी। J349 यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाता है। एंड साइड प्रोफाइल में आप देखिए थोड़े बहुत चेंजेस आपको दिख रहे होंगे, जैसे कि ये जो पैनल है ये अब आपको थोड़ा स्क्वायरिश दिख रहा है, तो ये थोड़ा डिफरेंट है। उसके अलावा साइड पैनल यहाँ पे आपको अब कुछ इस तरह का मिलता है, बुलेट 350 का ये 3D लोगो इसमें मिल जाता है। दिस इज़ द लेटेस्ट बुलेट 350 लोगो, सो ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। नाउ कमिंग टू द अनचेंज्ड थिंग, जो चेंज नहीं हुआ है, जो 9 decades का ट्रेडिशन है जो चेंज नहीं हुआ है, वो है ये द फ्यूल टैंक। सो फ्यूल टैंक पे आज भी वही हैंड पेंटेड आपको ये ग्राफिक्स मिलते हैं। सो इसको मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। सो दीज आर द ग्राफिक्स जो कि हैंड पेंटेड मिला करते थे 9 decades पहले भी, आज भी यही चीज़ है। सो दिस इज़ द अनचेंज्ड ट्रेडिशन ऑफ रॉयल एनफील्ड बुलेट 350। सो टैंक काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसमें भी आपको लोगो का डिज़ाइन कुछ इस तरह का मिलता है, क्राउन है, रॉयल एनफील्ड का लोगो है। सो ऑल न्यू लोगो और काफ़ी ब्राइट लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड 13 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है अप टू E20। सो BS6 फेस टू कंप्लाइंट ये इंजन है इसके अंदर, एंड यहाँ पे आपको फ्यूल लिड ओपनर क्रोम फिनिश में मिल जाता है। नाउ कमिंग टू द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, उससे पहले चाबी देख लेते हैं। सो नई चाबी आ चुकी है बुलेट 350 की, पुरानी चाबी हटा दी गई है, वेव की अब आपको इसमें मिल रही है, इसको इंसर्ट कर लेते हैं। सो ऑल न्यू इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो कि क्लासिक 350 से काफ़ी रिजेंबल कर रहा है, बिल्कुल सिमिलर है एक तरह से। सो यहाँ पे आपको एनालॉग स्पीडोमीटर मिल जाता है, यहाँ पे आपको सारे इंडिकेटर मिल जाते हैं। दिस इज़ द डिजिटल स्क्रीन जो कि पहले नहीं आती थी, अब आपको डिजिटल स्क्रीन मिल रही है। इसमें फ्यूल गेज मिल रहा है, ये भी एक नई चीज़ है बुलेट 350 के लिए। उसके अलावा वही यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं, ट्रिप एफ है, टाइम है, मल्टीपल ट्रिप्स मिल जाएंगे, ओडोमीटर मिल जाएगा। सो ये नया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अब आपको मिल रहा है, प्लस इसमें USB चार्जिंग सॉकेट भी मिल रहा है आपको, सो आप यहाँ से अपना फ़ोन ऑन द गो चार्ज कर सकते हैं। सो बुलेट 350 गॉट द एडवांस फीचर्स, सो ये थी बात। एंड यहाँ पे अब हैंडल लॉक गर्दन में लगाने की ज़रूरत नहीं है, सो पहले यहाँ गर्दन में लगाना पड़ता था, अब आपको इसी में इंटीग्रेटेड मिलता है। सो ये एक और अच्छी बात है जो क्लासिक 350 में भी चेंज हुआ था। कमिंग टू द हैंडल बार, सो हैंडल बार भी बिल्कुल नया कर दिया गया है, मॉडर्न स्विचेस, न्यू डिज़ाइनिंग, थोड़ा इसको लिफ्ट कर दिया गया है, सो उसकी वजह से काफ़ी अच्छा लग रहा है। क्रोम फिनिश में ये हैंडल बार है, स्विचेस की फ़िट एंड फिनिश काफ़ी अच्छी है, वही क्लासिक 350 वाले स्विचेस आपको इसमें मिलने वाले हैं। ग्रिपिंग और ये सब चीज़ें भी चेंज की हैं, न्यू लीवर, न्यू ग्रिप, यहाँ पे भी क्रोम फिनिश मिल रही है, सो एवरीथिंग हैज़ चेंज्ड। एंड रियर व्यू मिरर्स की बात करें तो ये आपको टूरिंग मिरर्स लगे हुए हैं इसमें, जो कि एसेसरी हैं, तो इसके लिए एक्स्ट्रा पे करना होगा, बट इसके साथ जो ऑफिशियल मिरर्स आते हैं वो कुछ डिफरेंट आते हैं। सो ये थी बात। नाउ कमिंग टू द सीट, सबसे शानदार चीज़ जो मुझे इसकी लगी है वो है सीट। दिस इज़ द ऑल न्यू सीट विथ शीयर कम्फर्ट, मतलब शानदार कम्फर्ट आपको इसमें मिलने वाला है। इसका फैब्रिक काफ़ी अच्छा है, डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, थोड़ी ब्रॉड कर दी है सीट को, यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट डिज़ाइन है, जिससे आपको जो अंडर थाई सपोर्ट मिलना चाहिए वो परफेक्ट मिलेगा। पीलियन के लिए भी काफ़ी बड़ा लंबा चौड़ा स्पेस है, ये रिब पैटर्न भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। ग्रैब करने के लिए यहाँ पे आपको कुछ छोटा सा मिल रहा है, सो ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। नाउ कमिंग टू द रियर लुक्स, सो पीछे के लुक आप देख सकते हैं क्या चेंज दिख रहा है। सबसे अच्छी चीज़ इसमें चेंज दिख रही है वो है ये मड गार्ड। सो ये आपको थोड़ा आप देख सकते हैं स्क्वायर शेप में मिल रहा है, जो कि क्लासिक में आपको पूरा राउंड मिलता है, एंड ये बहुत नीचे तक नहीं आ रहा है, यहीं ख़त्म हो रहा है, एंड इसकी नंबर प्लेट की पोजीशन थोड़ी नीचे तक आएगी, तो ये थोड़ा यूनिक डिज़ाइन है।
उसके अलावा यहाँ पे सभी चीज़ें फ्रेम बिल्कुल सिमिलर है। एग्जॉस्ट की बात करें तो इसमें आपको क्रोम फिनिश में एग्जॉस्ट मिल रहा है, ये भी काफ़ी हद तक सिमिलर है क्लासिक 350 से। सो ये थी बात। पीछे का टायर भी चेंज हो चुका है एंड द साइज़ इसमें आपको मिलता है 120x80/18। यहाँ पे भी आपको स्पोक मिलते हैं, क्रोम फिनिश है, 270mm की डिस्क है, डुअल चैनल ABS इसमें आपको मिल ही रहा है एंड ये वाला सेटअप भी आपको ऑलमोस्ट सिमिलर मिलता है क्लासिक 350 से, जो रियर टेल लैंप है, हेलोजन टर्न इंडिकेटर्स हैं एंड पीछे का लुक कुछ इस तरह का है ऑल न्यू बुलेट 350 का, यू कैन सी। सो टायर साइज़ थोड़ा सा ब्रॉड होने की वजह से अच्छा लग रहा है पीछे का अपीयरेंस एंड ये नंबर प्लेट जब लग जाएगी ना तो मुझे लगता है और डिफरेंट पीछे का लुक मिलेगा। रॉयल इनफील्ड की बैजिंग यहाँ पे मिल जाती है, स्टैंडर्ड साड़ी गार्ड है, चेन एक्सपोज्ड अब आपको इसमें मिल रही है एंड चेन की पोजीशन चेंज हो चुकी है क्योंकि जे सीरीज़ इंजन अब आपको इसमें मिल रहा है। सो ये थी ओवरऑल बात। बाकी ये फुट पैक्स तो एज एन एसेसरी लगा दिए गए हैं एंड यहाँ पे अब आपको साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर भी मिल जाएगा। सो ये थी ओवरऑल बात इसके सभी चेंजेस के बारे में। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं यार आपको ऑल न्यू बुलेट 350 कैसी लगी, क्या कुछ चेंजेस इसमें आपको अच्छे लगे, बेहतर लगे। सो दिस इज़ द ऑल न्यू रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 एंड आज हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद ही यही था कि इसके सभी फ़ीचर्स के बारे में जानें, इसके क्या क्या नए अपडेट मिले हैं, क्या नई प्राइस है। अभी आज हम इसका राइड तो नहीं कर पाएंगे बट इसका राइड रिव्यू भी बहुत ही जल्दी आएगा आपके पास एंड उसमें हम इसकी सभी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे कि अब जो चलाने में वाइब है वो आपको क्या मिल रही है। देखने में तो अभी भी वही वाइब है, वही स्वैग है बट जब आप इसको राइड करेंगे तो क्या वाइब फील होने वाली है। सो ये था हमारा आज का वीडियो अबाउट रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 विथ न्यू हार्ट एंड स्टिल द सेम बीट। सो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द लिटिल बेल आइकन टू स्टे नोटिफाइड ऑलवेज। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइज़।